नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो रिमोट की है वो 1 मीटर की रेंज में होनी चाहिए तभी कार स्टार्ट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो आज मैं i20 की जो रिमोट की है उसकी रेंज चेक करूँगा। तो सबसे पहले इस की को हम जो को पैसेंजर सीट पर रख देते हैं और चेक करते हैं कि ये काम करता है नहीं करता, क्योंकि ये अप्रॉक्स 1 मीटर आप मान सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये काम कर रही है। अब इस की को रियर सीट पर रख देते हैं और चेक करते हैं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और आप देख सकते हैं जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही है, तो मतलब ये काम कर रही है। अब दोस्तों इस की को हम कार के बाहर रखते हैं और ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा मैं, एकदम नीचे ही रखा है मैंने इसको। और अब देखते हैं कि क्योंकि ये ज़्यादा रेंज नहीं है, ये कह सकते हैं 1 मीटर के आसपास होगी क्योंकि अपन ने इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा था। और आप देख रहे हैं जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब ये जो की है वो काम नहीं करेगी। अब मैंने इसको ऊपर रख दिया है और अब चेक करते हैं कि काम करती नहीं करती है। ये काम कर रही है क्योंकि लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूसली जल रही है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा इसको, मैं जो बूट का जो टॉप कवर है मैं वहाँ पे रखता हूँ और ये एकदम एंड कार का एंड ही है। और अब चेक करेंगे कि काम करेगा कि नहीं करेगा। और ये अप्रॉक्स 2 मीटर के आसपास है और अब चेक करते हैं। दोस्तों ये तो काम कर रही है। तो दोस्तों ऐसा कोई रेंज नहीं है कि ये 1 मीटर पे ही काम करेगी, ये 2 मीटर पे भी काम कर रही है। दोस्तों अब मैं इसको विंडशील्ड के पास में रखूँगा, लगभग ये आप कह सकते हैं 1/2 मीटर भी नहीं होगा। और अब चेक करते हैं कि काम करेगी कि नहीं करेगी, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। और मैंने बटन प्रेस किया है, आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये की काम नहीं करेगी। दोस्तों मैं देख रहा हूँ जो की अगर कार के बाहर है तो वो काम नहीं कर रही है, और अगर की अगर कार के अंदर है तो वो काम कर रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ और बाहर से ही कार को स्टार्ट करूँगा, फिर देखते हैं कि ये इंजन स्टार्ट होता है कि नहीं होता। तो मैंने अपने पॉकेट में रख लिया है। अब मैं बाहर से ही खड़े खड़े इस बटन को प्रेस करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये ब्लिंक कर रही है, मतलब ये स्टार्ट नहीं होगी। तो अब मुझे लगता है मुझे बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मैं बैठ गया हूँ और अब चेक करते हैं काम करती है। ये काम कर रही है बिल्कुल, मतलब मैं कार के अंदर आ चुका हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ तो ये काम कर रही है, पर खड़े होने पे काम नहीं कर रही थी। अब दोस्तों इस की को मैंने रूफ पे रख दिया है और अब चेक करते हैं, क्योंकि जो कार की है वो बाहर काम नहीं कर रही है। और ये सच्ची में काम नहीं कर रही है क्योंकि की कार के बाहर है तो ये काम नहीं करेगी। तो दोस्तों जो की अगर कार के अंदर कहीं पे भी हो वो काम करती है, और बाहर चाहे कितना भी क्लोज हो वो काम नहीं करेगी। तो ये एक स्ट्रेंज फीचर है इस कार का। दोस्तों अब मैं इस की को जो ये बॉटल होल्डर है इसमें रखता हूँ, और क्योंकि ये कार के बॉडी के अंदर है पर दरवाज़ा ओपन है और ये काम कर रहा है। मैंने दरवाज़ा पूरा ओपन नहीं कर रखा है, अब मैं दरवाज़ा पूरा ओपन करूँगा फिर मैं देखता हूँ क्या आउटपुट निकलता है। अब मैंने दरवाज़ा पूरा ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं की आउट, मतलब आउट ऑफ रेंज हो चुकी है और की काम नहीं करेगी। और दोस्तों मैं दरवाज़ा थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ और अब चेक करते हैं।
कि की काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैं बटन प्रेस करता हूँ और की काम कर रही है। तो दोस्तों, जो ये रिमोट की है, ये कार के अंदर आप इसको कहीं पे भी रख दें, वो काम करती है। पर अगर आपने कार के बाहर चाहे कितना भी क्लोज़ आप इसको रख दें, ये काम नहीं करेगी। तो ये एक रिमोट की का फीचर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 मीटर के दायरे पे ही काम करेगी। दूसरा फीचर है जब विंडो को ऑटो रोल अप करते हैं और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ये पिलो आ गया है, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे हो जाता है। ये इसका एक फीचर है। मतलब किसी का हाथ चला जाए या कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ हो जाता है। एक बार मैं इसमें अपना हाथ ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो पहले इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब मैंने ऑटो अप किया है। अब देखिए, अरे ये बिल्कुल नहीं रुक रहा है, सीधे ऊपर जाता है, बहुत फोर्स से जाता है। दोस्तों, ये तभी रुकेगा जब कोई ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से टच हो जाए, वैसे नहीं रुकेगा। अगर इसमें हाथ आ जाएगा तो शायद थोड़ी बहुत चोट आ सकती है, पर इतना सीवियर चोट नहीं आएगी। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।